अस्सलाम वालेकुम। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो YouTube पे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको उस दिन का बेसब्री से इंतजार है कि कब उनके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हों, 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो और उनका चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आपका मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया कम्प्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने मोनेटाइजेशन के लिए किस तरह अप्लाई करना है, आपने अपने चैनल को किस तरह मोनेटाइज करवाना है, किस तरह आपने एडसेंस की सेटिंग करनी है, अगर आपका एडसेंस नहीं बना हुआ तो आपने एडसेंस किस तरह क्रिएट करना है और उस एडसेंस को किस तरह आपने अपने यूट्यूब अकाउंट के साथ अटैच करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया कम्प्लीट हो चुका है और मेरे चैनल की अप्लाई नाउ की ऑप्शन आ गई है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपने चैनल को लाइव मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करके दिखाऊंगा और साथ साथ मैं आपको ये भी गाइड करूंगा कि आपने कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों, जब आपका YouTube का मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया कम्प्लीट हो जाए और जब आपकी अप्लाई नाउ की ऑप्शन आ जाए तो आपने जस्ट सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने तीन स्टेप्स आएंगे। पहले स्टेप पे आपने जस्ट YouTube की टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके आपने ओके करना है। YouTube की टर्म्स एंड कंडीशंस मैं ऑलरेडी अपने मोबाइल पे एग्री कर चुका हूँ और अनफॉर्चुनेटली मैंने उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं की। तो आपकी जब अप्लाई नाउ की ऑप्शन आ जाए तो आपने जस्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और स्टेप वन में आपने जस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके आपने नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे आपने एडसेंस की सेटिंग कैसे करनी है इसके लिए हम चलते हैं लैपटॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद आपको यूट्यूब मोनेटाइजेशन अप्लाई करने की ऑप्शन देता है। तो अक्सर लोग ये टास्क कंप्लीट करने के बाद भी ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। तो अभी मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हैं और 4000 घंटे वॉच टाइम भी कंप्लीट है, तो मैं आपके सामने लाइव मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करूंगा और साथ साथ मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आपने किस तरह 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर वाला टास्क कंप्लीट करने के बाद आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपने मेन चैनल में जाना है यूट्यूब में। यूट्यूब ओपन होने के बाद आपने यहाँ से योर चैनल में जाना है, यहाँ से कस्टमाइज चैनल में, और यहाँ से आपने इस अर्न वाली ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं चैनल मोनेटाइजेशन का जो स्टेप वन है वो कंप्लीट हो चुका है। ये बेसिकली मैं स्टेप वन कंप्लीट कर चुका था तो फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि मुझे इस टॉपिक पे भी वीडियो बनानी चाहिए ताकि मज़ीद लोगों को ये पता चल सके कि टास्क कंप्लीट करने के बाद आपने मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो स्टेप वन में बेसिक जस्ट उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसको आपने एग्री करके आपने ओके कर देना है तो आपका स्टेप वन कंप्लीट हो जाएगा। अब बारी आती है स्टेप टू की। स्टेप टू आप देख सकते हैं नॉट स्टार्टेड लिखा आ रहा है और साइन अप फॉर गूगल एडसेंस, इसके लिए आपने जस्ट स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी जहां पे लिखा है यू विल बी रीडायरेक्टेड टू एडसेंस टू कंप्लीट दिस स्टेप। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपका एडसेंस का अकाउंट पहले से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, तो आपने सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक करना, नो आई डोंट हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट विंडो ओपन होगी तो यहाँ से आपसे वो ईमेल पूछेगा कि आपने किस ईमेल पे अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना है। तो आपने यहां से अपना ईमेल चूज करना है। ईमेल चूज करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो यहां पे योर वेबसाइट इसको आपने छोड़ देना है और यहां पे लिखा हुआ गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, तो यहां पे आपने इसको यस कर देना है। यस यस सेंड मी कस्टमाइज्ड हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशन, इसको आपने यस कर देना है और यहां से आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, आप जिस कंट्री से हैं बिलोंग करते हैं आपने वो सेलेक्ट कर लेना है।
तो यहाँ से आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करके आपने नीचे आना है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि अगेन गूगल एडसेंस की टर्म्स एंड कंडीशन ये सारी आई हुई हैं। तो इसको आपने जस्ट यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट दी एग्रीमेंट, इसको आपने करके आपने क्रिएट अकाउंट करना है, क्योंकि इस एग्रीमेंट को यस करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप इसको ओके करेंगे तो आपके पास ये क्रिएट की ऑप्शन जो है वो ब्लू हो जाएगा। अब ये देखें, इसको मैं अनटिक करता हूँ तो ये देखें ये ऑप्शन चली गई, इसको आपको टिक करना पड़ेगा। तो इस पे आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने गूगल एडसेंस की ये विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके चैनल का नाम होगा वही यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें आपने किसी किस्म की कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, इस ऑप्शन में आपने कोई भी चेंजेस नहीं करनी। तो इसके ऊपर आपका अकाउंट टाइप आ रहा होगा इंडिविजुअल, इसको भी आपने एज इट इज़ रहने देना है, और यहाँ पे आपका एड्रेस आ रहा है, तो यहाँ पे आपने अपना एड्रेस जो है वो पुट कर लेना है। अब यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि मिसाल के तौर पे अप्लाई करने वाले का ताल्लुक फैसलाबाद से है लेकिन वो रह रहा है इस्लामाबाद पे, तो इस पे वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे एड्रेस फैसलाबाद का देना चाहिए या मुझे इस्लामाबाद का देना चाहिए। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फैसलाबाद का एड्रेस भी दे सकते हैं, आप इस्लामाबाद का एड्रेस भी दे सकते हैं, जहाँ पे आप ताल्लुक जिस शहर से आपका ताल्लुक है आप वो एड्रेस भी दे सकते हैं, और जहाँ पे आप टेम्परेरी रह रहे हैं आप उसका एड्रेस भी दे सकते हैं, तो इससे कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक और जो लोग मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे वो एड्रेस इस्लामाबाद का पुट कर देते हैं, तो नीचे आप ये देख सकते हैं कि पोस्टल कोड जो है वो अपने शहर का जहाँ से, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी है ना कि ताल्लुक फैसलाबाद से है लेकिन रह रहे हैं इस्लामाबाद में, तो पोस्टल कोड आपने उस एरिया का देना है जहाँ पे आप मौजूद हैं। अगर आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है लेकिन आप मौजूद हैं इस्लामाबाद में, तो आपने पोस्टल कोड इस्लामाबाद का देना है। तो यहाँ पे आपने एड्रेस एंटर कर देना है और वही एड्रेस सेकंड लाइन में एंटर कर देना है। यहाँ पे सुबर्ब की ऑप्शन आ रही है, ये बेसिकली मुझे भी इसका नहीं था पता, तो मैंने नेट से सर्च किया तो इसका उर्दू में मतलब है मुजाफात, कि आप जिस शहर में रह रहे हैं उसके इर्द गिर्द का इलाका, तो मैंने यहाँ पर रावलपिंडी कैंट कर दिया। सिटी आपने ऐड कर देना है, पोस्टल कोड आपने ऐड करना है, और मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो इससे कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा। तो जस्ट आपने इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सबमिट कर देना है, तो आपने सेव कर लेना है, और यहाँ से आपने इसको रीडायरेक्ट कर देना है। तो जैसे ही रीडायरेक्ट करेंगे आपकी रिक्वेस्ट गूगल एडसेंस को चली गई है, अब वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद आपकी आपका पूरा ओवरव्यू करेंगे, और विद इन 24 आवर्स आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अभी लिखा आ रहा हुआ है नॉट स्टार्टेड, तो अभी देखिए कुछ ही सेकंड में यहाँ पे ये ऑप्शन चेंज हो जाएगी, और अब देखें यहाँ पे इन प्रोग्रेस आ गया है। तो वैसे तो 4-5 घंटे के अंदर इनका रिस्पांस आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर अंदर इनका रिस्पांस आ जाता है। तो ये तरीका का है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने का। तो इसमें जौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस थी और जौन जौन सी गलतियां थी और जौन सी अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो मैंने आपको सारा गाइड कर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि अभी YouTube पे जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है और उनको नेक्स्ट स्टेप का, क्योंकि ये ऐसा स्टेप है जो कि आपका जो 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर वाला टास्क है वो जब कंप्लीट होगा तब ही आप इस स्टेप को फॉलो कर सकेंगे। तो जो लोग यूट्यूब पर अभी स्टार्ट हुए हैं तो हर बंदे को, तो उनमें से हर कोई ये ज़रूर जानना चाहेगा कि टास्क कंप्लीट होने के बाद मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो मैंने आपको मुकम्मल गाइड कर दिया है, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रही होगी। मज़ीद ऑनलाइन अर्निंग की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए और अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए हम मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।